उत्तर प्रदेश के तमाम युवा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कब एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। लगातार टेट सीटेट कई परीक्षाओं को उन्होंने पास कर लिया और एक कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन टेट सीटेट पास सभी अभ्यर्थियों के मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है ना, वो यही है कि उत्तर प्रदेश में कब एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं। ये प्रश्न और इसके जवाब हम और आप इतनी बार सुन चुके हैं, इतनी बार सुन चुके हैं कि ऐसे प्रश्न आने के बाद दिल में दुखों का एक बड़ा तूफान उठ जाता है। जैसा लगता है कि बृहस्पति ग्रह पर कोई तूफान सा चल रहा हो। लेकिन हर सवाल के एक जवाब भी होते हैं, और कई जवाब कड़वे होते हैं और कई जवाब मीठे भी होते हैं, और कई जवाब ऐसे होते हैं जिन्हें हमें हमारे कर्णप्रिय होने पर ही हमें सुखद अनुभूति देते हैं, अन्यथा वे कांटों की तरह भी लगते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में टेट सीटेट पास बीटीसी बीएड अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल लगातार आ रहा है। कई बार वो खुद से टूट चुके हैं, उनको ये विश्वास हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। लेकिन कोई कुछ ऐसे भी हैं जिस बात पर टिके हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। इनमें अब क्या फर्क है, क्या करना चाहिए? अब अंत में हमें आपको भी जानना चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश के इन नौनिहालों को जिन्हें हम आप देख पा रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? इनके भविष्य के लिए आप कब एक सरकारी शिक्षक शिक्षिका के रूप में आएंगे? जी हाँ, जैसा कि आपको भी पता है कि बार बार माननीय सरकार ये कह रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के अनुपात बराबर है, लेकिन एक बार ये भी स्वीकार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 से ज्यादा पद खाली भी हैं। लेकिन इन पर अभी किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं की जा रही, न विज्ञप्ति हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सारे मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं और कुछ पे जजमेंट भी आ चुके हैं। जैसे 69 जैसे शिक्षक भर्ती का जो अध्याय था वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में के साथ साथ संपूर्ण भारत के बीटीसी और बीएड को प्राथमिक में किसको जगह मिलनी चाहिए, दोनों को या किसी एक को, इस बात का लेकर मामला भी न्यायालय में है और आर्डर रिजर्व हो चुका है। किसी भी दिन ये आर्डर डिलीवर हो जाएगा, किसी दिन ये जजमेंट आ जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा होने के बाद नई शिक्षक भर्ती पर विचार किया जाएगा। मतलब एक उम्मीद ये है कि क्या चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है अथवा नहीं। तो एक अगर अनुमान की बात करें तो यह लोकतंत्रात्मक देश और उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जब जब चुनाव आए हैं तब तक उत्तर प्रदेश में भर्तियों का पिटारा और शिक्षक भर्ती देखने को मिले हैं। आपके मन में फिर से सवाल आता है, सर भी हाल ही में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, उसमें तो नई शिक्षक भर्ती नहीं आई जो युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, तो वहां पर भी 17,200 की एक विज्ञप्ति जारी हुई तो थी जिस पर एक जीओ जारी हुआ था और लेकिन उस पर भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू पाई क्योंकि उससे पहले उसका जो आधा बचा हुआ पद था 6800 वो माननीय न्यायालय में चला गया और न्यायालय में जाने के नाते वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब सुनवाई भी हुई लेकिन 17,200 उसके नाते रुक गया, बाकी के जो पद थे वो बीटीसी बीएड के नाते रुके रह गए। माननीय सरकार भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश या अपने प्रदेश में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पक्ष, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में प्रमोशन समायोजन दो बातें चल रही हैं, और आपने भी देखा आने वाले इस शैक्षिक सत्र में उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में 75 जनपदों में प्रमोशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोट करके जूनियर में जगह दी जाएगी, उससे पद रिक्त होंगे। उसके बाद समायोजन की प्रक्रिया होने के बाद एक और प्रदेश हमारे आपके सामने आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अब कितने पद और रिक्त हो रहे हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक के नौनिहालों में नए सत्र में दाखिला भी होगा। उसके लिए 69,000, 68,000, 5,000 के साथ अन्य बेसिक के शिक्षक अपना बेस्ट और बेहतर देंगे ताकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में नामांकन हो और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति मिले। इसके लिए हम सब पूरी तरह से प्रयासरत हैं, लेकिन आपसे भी एक सहयोग चाहिए। आप अपने नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में इस बार उम्मीद से ज़्यादा दाखिला कराइए और अपने आने वाले भविष्य को, पिटारे को, आने वाले भविष्य को
और ज्यादा मजबूत करें। फिर से चले हम बेसिक की ओर, फिर से चले हम बेसिक की ओर, क्योंकि हमारा कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान इस नए शैक्षिक सत्र में शुरू होने जा रहा है, जो आज से लगभग 10 दिन बाद अप्रैल 1 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी से उम्मीद है, और इस सत्र में आपको एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले, और उम्मीद करते हैं इस सत्र में ही आपका परीक्षा भी हो जाए, लेकिन नए सत्र में भी हो सकता है, इस सत्र के अंत में भी हो सकता है। यह केवल शब्द पत्थर की लकीर तो नहीं है, लेकिन इस उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी है, और हम और आप भी इस उम्मीद पर टिके हैं। इन नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए फिर से एक बार आपको अपना बेस्ट और अपना बेहतर देते रहना होगा। आप घर पर पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, रेगुलरिटी रखें, तैयारी करते रहें, किसी न किसी दिन भर्ती का पिटारा खुलेगा, और उम्मीद करते हैं इस पिटारा में आपको भी जगह मिलेगी। आप अपना बेहतर देते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। कुछ साथी ऐसे हैं जो टेट सी टेट पास हैं, वो शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, मार्केट से किताबें खरीद लें, अपने वीक जोन को स्ट्रांग करें, स्ट्रांग को जो रिविजन करें, मार्केट से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ले लें, और बहुत सी बड़ी परीक्षा जैसे इस समय पीसीएस की परीक्षा में जो सम्मिलित होने के लिए चाह रहे हैं, तो वो भी इसकी फॉर्म आवेदन कर लें, क्योंकि आवेदन करने से कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो लगन और मेहनत है वो एक अधिकारी की तरफ भी अग्रसर होगा, और पढ़ा हुआ ज्ञान कभी खराब नहीं होता, बेकार नहीं जाता, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। इसलिए हमेशा लाइफ में बेहतर दीजिएगा, क्योंकि आगे आपके बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी से कहते हैं, आरओ, इनके भी मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, तो वे तमाम अभ्यर्थी इस पर भी अपना दिन प्रतिदिन बेस्ट और बेहतर देते रहें। यकीनन आप अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे, मुझे भी इस बात का गर्व और आप पर विश्वास है। कभी मत टूटिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। देर से होगा, विलंब से होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। देर से होगा, विलंब से होगा, लेकिन एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर से होगा। मेरे प्यारे साथियों, अपना बेहतर और बेस्ट देते रहिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। आने वाला साल या इस साल का अंत आपकी उम्मीदों के साथ, आपके भर्ती प्रक्रिया के साथ अंत की तरफ लेकर चलेगा, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आप भी साथ देंगे, खुद को जोड़ कर रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ, अपना बेहतर और बेस्ट देते रहिएगा, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। टूटिएगा मत, क्योंकि हकीकत यह है कि हम सब टूट जाते हैं। सेल्फ स्टडी करिएगा, मार्केट से किताबें खरीदिएगा, नोट्स पढ़िएगा, लेकिन अपना बेस्ट जरूर देते रहिएगा। थैंक यू आप सभी का। फिर से टेट होगा, सी टेट होगा, पास है तब सुपर टेट पर फोकस करें, अन्य भर्तियों पर फोकस करें जो आप कर सकते हैं, जिसकी आपके पास क्षमता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, इस चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हम आपके लिए प्रतिदिन निःशुल्क क्लास लेकर आते हैं, अपन क्लास को भी पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, बाकी आपको जो मन करे वो करें, आप खुद से स्वतंत्र हैं। बहुत सारे आपके सवाल होते हैं, अगर आप चाहें तो ई लर्निंग पे दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों को काम है कहना। यदि हम ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग काम है कहना, भर्ती नहीं आएगी, पढ़ना नहीं है, जब भर्ती आएगी तब पढ़ना है, तो ठीक है, सुनते रहिए, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी विचलित मत होइएगा, अपने बेहतर देने से कभी कोई समझौता मत करिएगा। आप सभी का थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल, आने वाला सत्र आपके घर, आपके परिवार, आपके सपनों को पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ना कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपके कमेंट से हम आपके जवाब दे सकें, और आपके भी बहुत सारे सवाल होते हैं, तो प्रत्येक संडे को आप अपने सवाल पूछ सकते हैं ये लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर, वहाँ की टीम देगी। मैं निःशुल्क क्लासेज आपके लिए लेकर आता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, अपने बचे हुए समय से, और उत्तर प्रदेश के नौनिहालों की नए शैक्षिक सत्र में जाने से पहले परीक्षाएं शुरू हैं, और 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक परीक्षाएं चलेंगी, उनके लिए भी, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराएं, ताकि हमारा बेसिक फिर से बेहतर की तरफ बढ़े, और बेहतर है, और बेहतर की तरफ बढ़ेगा जब आपका भी साथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।